बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक 12.16 करने वाले हैं, जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था टॉपिक नंबर 12.13 और 14 के अंदर कि कैपेसिटर हमारे पास स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्जेस को स्टोर करती है। अब जो डिवाइस चार्जेस को स्टोर कर रही है, इट मीन्स कि वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर कर रही है? क्योंकि जब हमारे पास इसके ऊपर चार्जेस स्टोर होंगे तो चार्जेस के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें चार्ज को इन प्लेट्स के ऊपर, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके ऊपर चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए कोई ना कोई वर्क डन रिक्वायर्ड है। और एक और बात भी हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेस इन प्लेट के ऊपर इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे हमें मोर वर्क रिक्वायर्ड होता है इनके ऊपर नेक्स्ट चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर पहले टू चार्जेस जब हमारे पास इसके ऊपर स्टोर थे, तो थर्ड को अगर हमने डिपॉजिट करना है, थर्ड चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए लेट्स सपोज आपको 1 जूल एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से जब हमारे पास 3 चार्जेस डिपॉजिट हो गए हैं और फोर्थ चार्ज जब डिपॉजिट करना है, तो उसको फोर्थ चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए मे बी 1.5 जूल एनर्जी चाहिए होगी। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेस ऑलरेडी जो स्टोर्ड होते हैं कैपेसिटर पे वो इंक्रीज कर रहे हों, ऐसे ऐसे नेक्स्ट जो आपने चार्ज डिपॉजिट करना होता है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। अब स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं। इनिशियली जब हमारे पास ये बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, स्विच ओपन था, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इनके ऊपर, दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इनिशियली आपके पास क्या था कि Q आपके पास क्या था, Q इज इक्वल टू 0 था। जब Q आपके पास स्टूडेंट्स 0 था, तो इट मींस कि उस पॉइंट पे आपकी जो वोल्टेज डिफरेंस था, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वो भी आपके पास क्या था, 0 था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब आपके पास दूसरा केस आया कि फाइनली जब हमने इसको स्विच को ऑन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया स्विच को, तो हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास यहां पे चार्जेस डिपॉजिट होने शुरू हो गए प्लेट्स के ऊपर। इन चार्जेस की वजह से स्टूडेंट्स, आपके दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवेलप होने शुरू हो गया। लेट्स सपोज जो आपके पास फाइनल जो चार्जेस थे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस लेट्स सपोज क्यू थे, और जो टोटल पोटेंशियल था, फाइनल जो पोटेंशियल था, जब आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो गए हैं, तो आपके पास जो वोल्टेज था वो वी नॉट हम कंसिडर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके पास इनिशियली क्या था, 0 था वोल्टेज, और आखिर पे आपके पास क्या था, वी नॉट, या इसको भी वी कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियली आपके पास 0 था, फाइनली आपके पास वोल्टेज क्या था, वी था। तो अब जो आपके पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनिशियल वोल्टेज प्लस फाइनल वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज क्या थी, वी डिवाइड बाय 2, यानी 1/2 आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 वी एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर देखा था, टॉपिक 12.19 के अंदर आपकी क्वेश्चन थी 12.24, जिसके अंदर हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की इक्वल था, वर्क इक्वल था, और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, क्यू इंटू डेल वी। अब इस डेल वी को हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एवरेज पोटेंशियल, एवरेज वोल्टेज या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। इसको लेट्स सपोज हम क्या कर लेते हैं, एवरेज वोल्टेज, डेल वी आपके पास एवरेज वोल्टेज आ गई, और एवरेज वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, 1/2 क्यू, और हमारे पास क्या थी, वी, क्यू इंटू 1/2 वी। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वोल्टेज। अब ये आपके पास क्या आ गई, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, इधर से हमारे पास दो केसेस निकलते हैं। एक तो केस हमारे पास ये है कि आप अगर इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट रहने दें, और दूसरा केस ये है कि आप इस बैटरी को इधर से डिसकनेक्ट कर दें। तो दोनों केसेस को 1/1 देखेंगे। आपकी बुक में सिर्फ एक ही केस कंसिडर किया हुआ है, जिसमें यह था कि बैटरी आपकी इसके साथ कनेक्टेड रहे। अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड रहे इसके साथ, तो इट मींस कि आपकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी, आप इसको जो वोल्टेज दे रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू क्या है, आपके पास यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। अब हमारे पास जो चार जो कैपेसिटर्स की जो मेन इक्वेशन थी वो क्या थी, क्यू इज इक्वल टू सी वी।
अब q की वैल्यू यहाँ पे पुट करें अगर हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, u की वैल्यू 1/2 cv इंटू, ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई और ये ऑलरेडी जो वोल्टेज थी उसकी वैल्यू आ गई, तो u आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 cv2। अब जब हमारे पास बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है, कनेक्टेड ही रहे अगर, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगी, तो इट मींस कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, सॉरी कैपेसिटेंस के, क्योंकि वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है और 1/2 भी क्या है कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा केस आपको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि उसमें हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास, ये चलें स्टूडेंट्स बता देता हूँ कि बैटरी अगर लेट्स सपोज हम डिसकनेक्ट कर दें, अगर बैटरी डिसकनेक्ट कर दें तो इट मींस कि आपके इधर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, बैटरी डिसकनेक्ट हो तो चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट हो आप स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू हाफ क्यू वी, ये इक्वेशन थी हमारे पास, और क्यू की जो हमारे पास आगे हमने क्या किया था क्यू की वैल्यू पुट की थी, अब इधर से अगर हम वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो इधर अगर Q बाई सी पुट करें तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा 1/2 क्यू इंटू क्यू बाई सी, और ये आएगा स्टूडेंट्स आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू स्क्वेयर ओवर 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी। तो ये वो केस था जब आपके पास बैटरी डिसकनेक्ट कर दें आप तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स अगर हम ये कंसिडर करें कि जो आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर पे वो आपकी चार्जेस जो आपने स्टोर किए हैं उसकी वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुई है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास जब दो प्लेट्स के ऊपर चार्जेस होंगे तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेलप हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेलप हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कंजर्वेटिव फील्ड होती है स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन सी फील्ड्स होती हैं, इट मींस कि ये अपने अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर करती हैं। तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यू इज इक्वल टू 1/2 cv² आया। अब स्टूडेंट्स अगर हमने क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने चार्जेस को नहीं कंसिडर करना कि एनर्जी हमारे पास चार्जेस की फॉर्म में नहीं है बल्कि आपके पास एनर्जी जो है वो किस चीज़ की फॉर्म में है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो आपने सी की भी कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है और वी की भी कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। ये हम वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, टॉपिक 12.9 के अंदर हमने देखा था कि वोल्टेज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना हो तो वी इज इक्वल टू ED होता है, या इसको हमने लिखा था उधर इज इक्वल टू V/D, ये हमने लिखा था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो V इज इक्वल टू ED आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का जो हमारे पास फार्मूला आया था पिछले टॉपिक से, टॉपिक में 12.14 के अंदर, वो था C इज इक्वल टू A εr/D। अब स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें अगर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करें, इस इक्वेशन A के अंदर अगर ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, U इज इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू क्या है A εr/D, और वी स्क्वायर की वैल्यू है तो वी की वैल्यू क्या है ED² यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है एक डी अच्छा स्टूडेंट्स इसको बल्कि नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं 1/2 A εr/D इंटू E²D² आप स्टूडेंट्स एक देख सकते हैं आप एक स्क्वायर का डी इस डी से कट हो सकता है, इसको स्टूडेंट हमने काट दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इस साइड पे जाते हैं, अच्छा आप स्टूडेंट हमारे पास बच क्या गया U इज इक्वल टू 1/2 A εr/D इंटू E²D। अब इसको रीअरेंज अगर करें स्टूडेंट्स हम तो U इज इक्वल टू 1/2 E²εr/D इंटू AD। अब स्टूडेंट आपने इधर एक चीज को गौर से देखना है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो किस चीज की इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू
हाइट और लेंथ इनटू विड्थ अगर सिर्फ हो तो ये किस चीज की इक्वल होता है, एरिया के। अब अगर एरिया इनटू सम डिस्प्लेसमेंट डी है तो इट मींस कि ये हमारे पास ए इनटू, अगर फॉर एग्जांपल हाइट आपकी डी हो तो ये आपका किस चीज की इक्वल होता है, वॉल्यूम की इक्वल होता है। तो ए डी है तो इट मींस कि ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास क्या आ रही थी स्टूडेंट्स, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन आर इनटू वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, एनर्जी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन आर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी चीज अगर उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वो हमें उस चीज की डेंसिटी दे देता है। फॉर एग्जांपल मास डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से आपका जो एनर्जी ओवर वॉल्यूम है ये आपको दे देगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, और ये आपके पास किस चीज की इक्वल है, वन बाय टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और ये आपका स्टूडेंट फाइनल एक्सप्रेशन था जो इस टॉपिक के अंदर आपने ड्राइव करना था। स्टूडेंट ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से ये जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में एक हमारे पास पोर्शन के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन वैलिड है। आई होप स्टूडेंट्स आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अगर स्टिल इसमें कोई इशू आया आपको तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।